साइंस में 99, मैथ्स में 99 और एसएसटी में 100 एंड इंग्लिश हिंदी में दोनों में 95. बट आपकी वजह से ही है, नाइन्थ में बेस बना दिया, उसके बाद मतलब सब्जेक्ट ही अच्छा लगने लग गया. मैथ तो मेरा तो रोना ही नहीं होता था. अरे मेरे को पता था इस मामले में, फिर मम्मी समझाती थी नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. अच्छा मार्क्स तो अच्छे हैं, बट मेरे में पहला थॉट यही था जो भी है पीडब्ल्यू का कुछ होना चाहिए. मम्मी का भी यही था रिएक्शन कि आप स्कूल कर लिया है, आप पीडब्ल्यू से कुछ आना चाहिए. कितनी मतलब बहुत ज्यादा अटैचमेंट है पीडब्ल्यू से. तो हम इतना ज्यादा नाइन. कैसे हो कैसे हो कैसे हो क्यों आपसे मिलने के लिए इतना मतलब. अरे 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 तो सबसे पहले तो मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यार, इतने सारे मार्क्स लेकर आए हो. इतने मार्क्स में तो तीन लोग पास हो जाएंगे. इतने सारे मार्क्स लेकर आए हो, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, सो हैप्पी फॉर यू. बट आपकी वजह से ही है, नाइन्थ में बेस बना दिया, उसके बाद मतलब सब्जेक्ट ही अच्छा लगने लग गया. तो देखो भाई, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि जब सब्जेक्ट से प्यार हो जाए ना, सब्जेक्ट अच्छे लगने लग जाए, तो फिर ऐसा नहीं लगता कि हम पढ़ रहे हैं. ऐसा लगता है कि बस बस इसी मस्ती में चले जा रहे हैं और पढ़ाई होती रहती है. तो पहले तो ये बताओ कैसा लग रहा है अब इतने पूरे साल की मेहनत के बाद ये रिजल्ट देख के, कैसा लग रहा है? कल रिजल्ट आया, मैंने खोला एंड आई वाज लाइक कि अच्छा मार्क्स तो अच्छे हैं, बट मेरे में पहला थॉट यही था जो भी है पीडब्ल्यू का कुछ होना चाहिए पीडब्ल्यू की कोई, क्योंकि मतलब टेंथ में भी ना मैंने स्टार्टिंग से अपने आप को ये मोटिवेशन रखी थी मार्क्स अच्छे लाने, अगर मार्क्स अच्छे लाए कोई वीडियो कॉल हो पाएगी कुछ. ये था. हाँ, तो भाई नहीं यार, वो तो देखो हो गई. अब चाहे अल्टीमेट गोल जो भी था, मार्क्स तो बहुत अच्छे आ गए है ना. Okay, वीडियो कॉल. पेरेंट्स खुश हैं, रिलेटिव्स खुश हैं, सब खुश हैं? हाँ बहुत ज्यादा. मेरी मम्मी तो मतलब इसी बात पे, जैसे मतलब पहले स्कूल का फोन आया था तो स्कूल में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, तो मम्मी का भी यही था रिएक्शन कि आप स्कूल कर लिया, आप पीडब्ल्यू से कुछ आना चाहिए. क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा अटैचमेंट है पीडब्ल्यू से. तो वाओ वाओ, तो कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले तो किस बैच में थे ये बताओ. मैं तो नाइन्थ से पहले नहीं, फिर उड़ान, अब उदय बैच दिया. क्या बात है, क्या बात है. तो एक्सपीरियंस कैसा रहा पीडब्ल्यू का, मतलब थोड़ा बताओ मुझे, चाहे नाइन्थ से ही बता दो या टेंथ का ही बता दो, एक्सपीरियंस कैसा रहा पीडब्ल्यू का? अच्छा मतलब ऐसा था कि कोई भी क्लास होती थी ना, तो मतलब ऐसा होता था कि बैठना है बस, अब पढ़ना है, मजा आएगा, ये टाइम ऐसा है कि करना है. वाह भाई वाह, जब ऐसी फीलिंग आ जाती है ना अंदर, तो ऐसे ही रिजल्ट आते हैं फिर अच्छे. बहुत बढ़िया यार. तो अच्छा ये बताओ कि स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे थे कि नहीं, दो तीन महीने मस्ती करी पहले, फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करी, कैसा रहा मतलब? पहले हाँ थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है कि हाँ थोड़ा चिल मारना, पर ठीक था, मतलब नॉर्मल पेस थी. अच्छा. लास्ट में आते आते थोड़ा बहुत हो जाता है कि अब करना बहुत ज्यादा हो गया, बट हाँ ठीक है, नॉर्मल पेस में था यूजुअली. हाँ, तो कितने कितने घंटे, मतलब क्या रूटीन रहता था, टाइम टेबल क्या था? पहले जिस दिन, जैसे जिस दिन स्कूल जाती थी उस दिन तो यही होता था कि घर आए, थोड़ी देर सो लिया, उसके बाद क्लासेस अटेंड करी. जो जैसे थोड़ा भी टाइम बचता था रात का, उसमें ज्यादातर मतलब क्लासेस जब होती थी तो 2 आवर्स से ज्यादा नहीं मिल पाता था. जब स्कूल भी जाती थी मैं, तो फिर उस 2 आवर्स में पढ़ा जितना पढ़ना है. उसके बाद यूजुअली मैं क्या करती थी कि स्कूल में ना ऑल्टरनेट डेज चली जाती थी, ताकि सुबह का टाइम है वो कोप अप हो जाए. वो तो आते आते होगा, ये तो है ना ऑल्टरनेट वाला, तो थोड़ा टुवर्ड्स दी एंड. अच्छा फिर तो यही है कि जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन सुबह मेनली करना है, जो भी नोट करने का, लर्न करने का काम है. हाँ. समझने का तो ट्यूशन्स में है. वो तो है. तो कैसे मतलब एनसीईआरटी को बेस तो बनाना ही था, बट एनसीईआरटी के अलावा कुछ और करा, मतलब डीएचएस डीपीपीस तो आपने कर ही होंगे, बट उसके अलावा कुछ और रेफर करा के बस मैम क्लास में आते थे, पढ़ते थे और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते थे, क्या रहा? यही था. क्लास में पढ़ा, क्लास में जो समझाया ऐसे, कभी कभी जैसे समझ नहीं आता था फिर वापस वीडियो देख ली. हाँ. और फिर समझ के एनसीईआरटी रीड करी, और फिर मैंने पीडब्ल्यू का मॉड्यूल ले रखा था तो उससे थोड़ी बहुत रेफरेंस आती थी. यही था बस, यही था. अच्छा, और फेवरेट सब्जेक्ट
फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा बन गया या पहले से ही था, क्या मतलब सब्जेक्ट्स में कौन से अच्छे लगते हैं? पहले तो नाइन्थ से पहले तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था ही नहीं सच कहूँ तो, मतलब मेरा ऐसा था कि मतलब ठीक है इतने भी बुरे मार्क्स नहीं आते थे बट एवरेज था, बट फिर तो साइंस बन गया मेरा फेवरेट। नाइन्थ ही बन गया फेवरेट बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे था कि वाह मतलब क्योंकि समझ आ रहा था सब कुछ तो एक इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो रहा था। और मेरा तो मतलब नाइन्थ में जब मैंने पीडब्ल्यू देखा मेरा तो ये हो गया था कि अब तो टीचर बनना है, एंड अभी तक मतलब मेरा तो यही है कि मैं पीडब्ल्यू ज्वाइन करूंगी। वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया, इतनी खुशी तुम्हारे को देख के ना, मुझे अपने टेंथ के दिन याद आ गए। हमारे टाइम पे तो सीजीपीए सिस्टम होता था, कभी परसेंटेज मिली नहीं, सीजीपीए में ही आगे आ गए हम तो बट तुम्हारी तुम्हारी एक्साइटमेंट देख के मुझे अपने टेंथ के दिन याद आ गए। नहीं बहुत अच्छा यार। अच्छा अब ये बताओ कि कोई सब्जेक्ट ऐसा कि मैम बस पढ़ना पड़ता था? अच्छा ये बताओ पहले मार्क्स किस सब्जेक्ट में कितने कितने हैं, फिर बताना कि कोई ऐसा सा सब्जेक्ट हो तो। साइंस में 99, मैथ्स में 99, और एसएसटी में 100, एंड इंग्लिश हिंदी में दोनों में 95। अरे तो कोई सब्जेक्ट की मैम ये तो बस पढ़ना पड़ता था, मार्क्स तो सब में बहुत अच्छे आए बस ये पढ़ना पड़ता था मुझे कि अच्छा हाँ हिंदी, अब तो 11th में तो नहीं होगी ना हिंदी 11th से तो सेम सेम से अच्छा 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 और ये बताओ कि मतलब कुछ हॉबीज वगैरह अपना कोई टाइम कहीं और भी लगाते थे कि बस इंस्टा और रील्स में ही निकल जाता था फ्री? तो है ही मेरे पास, मेरे को तो फोन को ऐसा मतलब मेरा है हमेशा से, मैं ना जैसे वो होता है ना बच्चों वाली चीजें मेरे को बड़ी फैसिनेट करती है, मैं वो बच्चों वाली चीजें किचन का जो टॉयज, इनफैक्ट अभी तक पड़े मेरे को छोटी छोटी चीजें बहुत, मैं क्ले आर्ट करती हूँ मैं जैसे, अरे तो बहुत बढ़िया। अच्छा तो मतलब सोशल मीडिया से अपने छोटे भाई बहनों को यही कहोगे ना कि दूर रहे सोशल मीडिया से? और क्या और एक एक होता है यार पीयर प्रेशर भी हो जाता है कि अरे इतना क्यों पढ़ रही है या फिर आ जा यहाँ पे चल लो ये कर लो, तो पीयर प्रेशर को कैसे हैंडल करा कि कैसे मैनेज करा उस चीज को, क्योंकि कहते हैं दोस्त भाई क्या जरूरत है इतना पढ़ने की, क्यों पढ़ रही है? बहुत ज्यादा मेरे को तो ऐसे घर में ऐसे होता है कि जैसे होता है ना घर का माहौल, क्योंकि मेरे सारे एल्डर्स हैं तो एल्डर सिस्टर और ब्रदर हैं तो वो कॉलेज में, हम कॉलेज में सब कूल हो जाते हैं तो घर में तो ऐसा होता है कभी भी कुछ बाहर का प्रोग्राम बना तो मैं ही होती हूँ नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं, तो मेरे को तो बहुत सुनने को मिलता है इस वजह से कि क्यों अभी क्यों पढ़ना है, बट फिर मैं वही मेरी लड़ाई हर बार होती है इस बात पे तो घर से, नहीं नहीं मेरी क्लास है मेरे को पढ़ना है अभी, तो वो तो हमेशा से ही है। तो फिर आज उन लड़ाइयों का फिर खुशी भी तो सबको घर पे उतनी ज्यादा ही हो रही होगी ना कि हाँ देखो मेरे को तो कॉल आया तो मैं तो चिढ़ा रही थी सबको, हाँ देख लिया। पेरेंट्स तो सबको कॉल कर करके खुद बताते हैं कि देखो सिस्टर ब्रदर तो पंगे ही लेने में लगे रहते हैं ना, तो उन्हें तो मैंने भी और क्या और क्या, अब तो बनता भी है जब इतनी इतनी चीजें और एक्साइटमेंट्स मिस करी हैं तो फिर बनता ही है अब तो। तो क्या आप कहाँ से हो ये बताओ मेरे को एक बार? मैं रामप्रस्थ जो दिल्ली यूपी बॉर्डर है एनसीआर एरिया। अच्छा अच्छा और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? ये फादर का सैलून बिजनेस है कॉस्मेटिक्स एंड ऑल का, मदर हाउस मेकर है। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो अब उदय बैच में आ गए हो तो क्या आगे के लिए कुछ सोचा है क्या करना है कि नहीं मैम अभी अभी नहीं सोचा है उतना ज्यादा? तो नाइन्थ से और यही रहने वाला है अभी तो, कि मतलब अभी तो जैसे मुझे बायो में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अभी तक तो है, देखते हैं ट्वेल्थ तो मेरा तो यही प्लान है कि बायो में जैसे जो भी टीचर बनने के लिए होता है फिर वो सब करेंगे और फिर पीडब्ल्यू का इंटरव्यू देंगे उस वक्त ये यूज करूंगी मैं वीडियो, देखो आपकी टॉपर थी मैं बहुत बढ़िया यार, जब गोल सेट हो ना तो फिर आप ना जब आपका गोल सेट हो जाता है ना तो बहुत सारे ना पाथ्स क्लियर हो जाते हैं। अगर कंफ्यूज मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ऑब्वियसली सब कुछ सेट होना चाहिए, बट थोड़ी बहुत क्लैरिटी होना दिमाग में तो बहुत रास्ता ना काफी हद तक आसान हो जाता है, तो बहुत बढ़िया। तो मेरे को बचपन से ही पता था कि मेरे को टीचिंग में ही जाना है, तो मैंने भी अपना रास्ता क्लियर ही रखा था भाई टीचिंग के लिए जो चाहिए वो मैं करूंगी।
अब आपका ना मुझे वो वाला चैप्टर याद है, वो जो एटम वाला पढ़ाया था ना आपने, एकदम वो पानी की तरह बना के कि कंटिन्यू टू भी कर रहा था और पोल्स एक्सपेरिमेंट, वो तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ये वाला वापस देखने का मन कर रहा है लेक्चर। ऐसा लगा था ना कि मैम क्या दोनों को मर्ज कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। मुझको तो बहुत ज्यादा, क्योंकि स्कूल में ना इतना मोनोटोनस हो जाता है वो पढ़ते पढ़ते, कभी कुछ समझा रहे हैं फिर क्या नहीं गलत हो गया ये वो, तो फिर आपका लेक्चर देख के मुझे लगता है वाओ ये भी होता है कुछ, मजा आ रहा है। बहुत थैंक यू यार, थैंक यू। तो ये बताओ कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा? अभी मैं सच में, मेरे को साइंस पूरी पसंद है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मेरे को, अच्छा क्योंकि क्योंकि मेरे को एक होता है ना, मेरे को अभी जैसे उड़ान तक तो मतलब, तो मेरे को नाइन्थ में तो बहुत ज्यादा रोना टाइप आया था, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री में आपकी टीचिंग इतनी अच्छी लगती थी, फिर मेरे को लगा नहीं यार ऐसे नहीं ऐसे नहीं, बट फिर ठीक है धीरे धीरे उड़ान में भी हो गया कि अब बन गया फ्लो, तो एक टीचर से अटैचमेंट हो जाता है ना, तो मेरे को वही है, मेरे को ऐसा है कि जब तक सारे टीचर्स हैं पीडब्ल्यू के तब तक ठीक है फेवरेट सब्जेक्ट्स। पर टीचर ना, टीचर एक सब्जेक्ट से प्यार करवाने में ना बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। मैं बताती हूँ, मेरे को 12th में फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर जहां मैं गई थी ना, वो सर इतनी अच्छी फिजिक्स पढ़ाते थे, इतना अच्छा पढ़ाते थे कि मेरे को फिजिक्स बहुत अच्छा लगने लग गया। तो कोई भी टीचर हो ना, उस टीचर का अच्छा होना, और टीचर अगर अपने सब्जेक्ट से खुद प्यार करता है ना, तो वो बच्चे को भी प्यार करवा सकता है उस सब्जेक्ट से, है ना। अगर खुद ही अपने सब्जेक्ट के लिए पैशनेट है, तो बच्चे को भी पैशनेट बना पाता है उस सब्जेक्ट के लिए। तो बहुत बढ़िया यार। और ये बताओ कि देखो, हमेशा तो हम एकदम बहुत मोटिवेटेड नहीं रह सकते, सब कुछ एकदम फुल मोटिवेशन टॉप पे नहीं रह सकते, कभी कभी तो थोड़ा लो फील करते होगे कि यार इसका रिजल्ट ऐसा नहीं आया, इसमें 2 नंबर कम आ गए, थोड़ा डिमोटिवेटेड फील करते होगे। तो उस टाइम पे क्या करते थे, अपने आप को कैसे बेटर बनाते थे? मेरा तो ऐसा सीन है कि स्कूल में, मतलब मेरे स्कूल में जो मेरा सेक्शन था उसमें मेजरली ऐसा था कि मतलब ऐसे टॉप 3 रैंक में तो आ जाते थे परसेंटेज, बट यही होता था कि क्लास में ना टॉप मेरा नहीं आता था, फर्स्ट रैंक नहीं आती थी मेरी फ्रेंड, जैसे होता ना 1-2% आ गए, तो उसमें मेरे को ये लगता था यार 1-2% से छूट गया ये वो, तो डिमोटिवेट होती थी, बट फिर मेरे को ये लगता था कि ठीक है मुझे क्या करना है परसेंट से, अभी यही है कि कंसेप्ट समझो ये वो, बहुत तो बढ़िया। फिर उसी पे फोकस रहा है, इतना कुछ नहीं, बस 10th में था हाँ कि परसेंट लानी है, क्योंकि मुझे, मैंने वीडियोस देखी हुई थी कि अच्छा जो जिनकी परसेंटेज आती है उनका होता है इंटरव्यू, तो मेरे दिमाग में था ये कि हाँ 10th में तो लाने है परसेंटेज। मेरा इंटरव्यू होगा, है ना। वो बहुत खुशी है यार, एक मतलब ये प्यार देख के ना बड़ी खुशी मिल रही है, एकदम स्पीचलेस हो गई हूँ मैं कि यार बच्चे ने इतनी मेहनत करी, अपने लिए तो करी करी, ये भी बोला अपने लिए भी मेहनत करी है, बट इसलिए भी करी कि हम पीडब्ल्यू के टीचर से बात करेंगे। वाओ यार। और स्ट्रेस कैसे मैनेज करते थे कि यार स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, इतना बर्डन है, बैकलॉग्स हो गए हैं, बैकलॉग्स कैसे क्लियर करते थे, स्ट्रेस कैसे मैनेज करा अपने, जरा जूनियर्स को बता दो थोड़ा। मैं तो, मेरा तो रोना ही मेन होता था, अरे मेरे को बहुत ज्यादा इस मामले में, फिर मम्मी समझाती थी नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो ये तो साइकिल चलती रहती थी, मतलब होता था कि 2 हफ्ते हो गए हैं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता था, कि एक सब्जेक्ट में बहुत पीछे हो जाती थी कि इसमें तो हो गया, फिर वही है कि पहले रोए धोए फिर मम्मी नहीं ऐसे रोने से क्या होगा ये, तो कहीं कहीं से मोटिवेशन ले लेके फिर वापस की हाँ करना है, तो ऐसे वो तो है। तो आर यू लाइक अ मॉर्निंग पर्सन के सुबह सुबह उठ के 4 बजे से पढ़ना शुरू कर दूंगी, या नाइट पर्सन के 4 बजे पढ़ के सोऊंगी, या 4 बजे तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि नहीं एक्स्ट्रा आवर्स पेपर के टाइम जो डाले, तो मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो पढ़ने में, कब पढ़ाई क्या? मतलब जनरली तो देखो हो जाता था मेरा, जैसे नॉर्मल टाइमिंग्स में हो जाता था, बट एक बार 10th में 1-2 बार रात को जागी थी मैं, क्योंकि रात को ना हो जाता है कि सुबह मुझसे उठती हूँ मैं, एक बार सुबह उठ गई तो सुबह तो पढ़ लूंगी 1-2 घंटे, उसके बाद मेरे को पूरे दिन नींद आती रहेगी, तो वो फिर मैं रात को कर लेती थी कभी कभार अगर होता था, वरना फिर ट्राई तो यही रहता था कि पूरे दिन में जो बीच के टाइम है उस वक्त कर लो जो करना है। अच्छा बहुत बढ़िया। तो स्कूल के फ्रेंड से बात हो गई, सबके सबके रिजल्ट्स तो पार्टी वार्टी हो गई वहां पे कि अभी? पहले आए हैं तो पार्टी सोच रहे हैं अभी कहाँ दें क्या करें। अच्छा, तो आपका तो टॉप टॉप है क्लास में, या मतलब स्कूल में तो है टॉप स्कूल में। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया।
और ये बताओ कि जैसे 9th में आपने बताया कि 9th में थोड़ा सा टेंशन होती थी, तो 10th कैसी लगी 9th के कंपैरिजन में? आसान लगी या और मुश्किल लगी, कि 9th ज्यादा डिफिकल्ट लग रही थी कि पहली बार ऐसा कुछ पढ़ने को मिल रहा है? नाइन्थ तो ना मेरी ना ज्यादातर एक्साइटमेंट में गई थी, मैं बताऊं, क्योंकि नए नए मतलब होता ना कि एक नया सब्जेक्ट तो खैर वही होता है, बट एक अलग लगता है कि हाँ बड़े हो गए हैं। पढ़ने को हाँ, मिल गया। हाँ नाइन्थ तो ऐसे एक्साइटमेंट में थोड़ा बहुत कि क्या हो रहा है कुछ ऐसे पता याद भी नहीं मुझे, तो नाइन्थ में तो ऐसे ही गया था। बट टेंथ में ना स्कूल वाले इतना बर्डन एक तो कर देते हैं कि इस बार बोर्ड है, इस बार बोर्ड है, तो नाइन्थ में पढ़ाई तो मुझे अच्छी लगी, मतलब कि इजी थी, हो गई बढ़िया। बट जो ये बार बार प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, हाफ ईयरली, तो मैं इरिटेट हो चुकी थी। एंड बोर्ड मतलब लास्ट तक आते आते बोर्ड के जो प्रिपरेटरी लीव्स होती है उसमें तो मैं कम कम पढ़ रही थी, उसमें मेरा हो गया था कि अब मैं थक चुकी हूँ, मैं सैचुरेट हो चुकी हूँ। हाँ, जो पढ़ मतलब ब्रश ऐसे करा, ब्रश पास करा, पेजेस कवर दे आई, उसके बाद लास्ट में तो यही हो गया था। बट ऐसा नहीं, आई थिंक इतने सारे एग्जाम्स का फायदा भी होता है यार। हम खुद ना पढ़े 5-5 महीने तक, खुद ना किताब उठाएं कि चलिए और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं। हाँ, अगर पेपर्स का टेंशन हो स्कूल में, एक हेल्दी प्रेशर तो अच्छी बात है। पेपर्स का प्रेशर हो स्कूल में कि अच्छा 2 महीने बाद फिर पेपर है, अच्छा जो इस 2 महीने में चैप्टर्स कराए हैं वो उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा हमारे को। तो मैं भी इस उम्र में बहुत बोलती थी क्या है, मेरे स्कूल वाले भी हर 2 महीने बाद पेपर रख लेते हैं। बट अब रियलाइज होता है कि यार अच्छा करते थे, तैयारी साइड बाय साइड। कह रहे हो ना कि बस ब्रश करा लास्ट में और कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए। बट वो क्या कहते हैं, मेरे साथ प्री बोर्ड 1 में तो ऐसा हुआ था कि केमिस्ट्री है ना, उसका जो सबसे बड़ा वाला चैप्टर था, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पढ़े थे, तो नाम याद नहीं आ रहा पूरा। तो हाँ, कार्बन आयन कंपाउंड्स, तो वो वाला इतना बड़ा चैप्टर था। एक तो एनसीईआरटी देख के मुझे डर लग गया था कि इतना बड़ा चैप्टर, वो मेरा लास्ट मिनट तो होने रखा था, मतलब प्री बोर्ड 1, पेपर आने वाले से वो नहीं हो रखा था। वे हिंदी के, हिंदी का तो मेरा आधा सिलेबस ऑलमोस्ट बच रखा था, मैं हिंदी तो मेरे को पढ़ने के लिए मन ही नहीं करता था कि बैठना है पढ़ने। तो प्री बोर्ड 1 से पहले तो मैंने बहुत ज्यादा ही, जैसे होता है ना, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, प्री बोर्ड 1 में। हाँ, फिर मैंने, और मैंने साइंस के लिए इतनी मेहनत की थी, और साइंस का पेपर मैं दे नहीं पाई थी क्योंकि मेरे को पैर पे लग गई थी एक दिन पहले। अच्छा, उसके बाद मेरे को इतनी हंसी आई थी कि मैंने क्यों करी इतनी मेहनत। अरे यार वो मेहनत का आज फल मिल रहा है ना, इतना अच्छा रिजल्ट, इतनी खुशी। हाँ बताओ, तो नोट्स कैसे बनाए, अपने बनाए या फिर इधर उधर से फोटोकॉपी करा लिए? शॉर्ट नोट मतलब कैसे, नोट्स के लिए क्या करा आपने? जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स थे उसमें तो पीडब्ल्यू मॉड्यूल जैसे होता था, और एनसीईआरटी में दोनों लेके बैठ के वो हाईलाइट कर लेती थी, तो वेरी गुड। हैंड रिटन नहीं बनाया था, बस हाईलाइट जो जो मुझे लगता था कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट कर लेती थी। और जो लास्ट में चैप्टर्स, क्योंकि मेरे पास इतना लास्ट में मेरे पास टाइम नहीं बचा था इतना कि मैं रीड करूँ एनसीईआरटी भी और मॉड्यूल भी, तो तब तो फिर मैंने जो नोट्स क्लासेस में करा थे, तो तब वो जल्दी जल्दी जैसे अपने नोट्स बना लिए थे। और वो लास्ट के चैप्टर्स जो बड़े बड़े चैप्टर्स थे वो तो मैंने खुद के नोट्स से ही करे थे, वो क्लास नोट्स जो होते हैं। अच्छा, तो मतलब जो पढ़ाया उसी में से आया ना पेपर, कुछ ऐसा तो नहीं पूरा वो क्या आ गया? नहीं, पूरा मतलब बहुत ज्यादा मजा आया। अब चलो अपने जूनियर्स को कुछ एक मैसेज ही दे दो, कुछ एक बता ही दो, है ना? कहते की बात तो ऊपर से निकल जाती है, अपने हम उम्र की बात एकदम ऐसे घुसती है, तो थोड़ा उनको भी कुछ मोटिवेशन दे दो कैसे पढ़ें। कोई स्ट्रैटेजी, टॉपर्स की तो बातें भी सुनते हैं बच्चे एकदम से। मेरी तो भाई स्ट्रेटजी यही है कि एक मोटिवेशन सेट कर लो कि क्यों लाने हैं परसेंटेज, फिर अपने आप ही आ जाएगी। एक चेस करने में मजा आता है ना कि हाँ ये करना है इसीलिए पढ़ना है, तो वही है मेरा तो ये सेट था कि मेरे को 10th में तो लाने हैं परसेंटेज। अब वही हर रात को जैसे मोटिवेट करना कि कल ये पढ़ना है, फिर कल ये पढ़ना है, ऐसे रात को एक सेट कर लो कि कल क्या कंप्लीट करना है, फिर वो बस एक एक दिन का टारगेट अचीव करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सिमरन बहुत 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 खुशी हुई। तो यार आप इतने स्वीट हो, स्माइल कर रहे हो, इतने अच्छे से बात करो। कुछ बच्चे थोड़े शाय होते हैं, आपसे बात बात करके तो बहुत ही मजा आया मेरे को। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि आपका जो एम था कि अच्छे मार्क्स भी आ गए, और आपने जो सोचा था है ना, जो आपका एक गोल था मुझे बात करनी है, तो वो भी हो गई यार, है ना? एक दिन निशाने हो गए। मेहनत देखो कभी वेस्ट नहीं जाती। एंड एक बात बोलूंगी, अगर 1%
किसी भी रीजन से कुछ भी आगे कभी होना कि जो एक्सपेक्ट करा वो रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी हुआ तो कभी भी ना डीमोटिवेट मत होना। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, अगर आज काम नहीं आई ना तो आगे जाके कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। आपको मेहनत करने की आदत डल जाएगी, आप कभी भी जीवन में हार नहीं मानोगे फिर, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा ऐसे ही हैप्पी और चेयरफुल रहना जैसे आप हो। एंड वंस अगेन आई एम सो प्राउड ऑफ यू, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतने अच्छा रिजल्ट आप लेकर आए हो, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम। ठीक है, चलो फिर बाय बाय करते। बाय बाय।